स्वागत है दोस्तों। तो आज हम सारे देखेंगे सारे HTML के टैग्स और एट्रीब्यूट्स, वो सारे लगभग सभी बेसिक टैग्स जिनकी मदद से हम पूरी HTML एक साइट बना सकते हैं। तो इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें हमने HTML के लगभग सारे मतलब इंपॉर्टेंट टैग्स तो देख ही लिए थे। अब इसमें मैं और भी सारे टैग्स डिस्कस करूंगा, तो अगर आप लोग नए हैं तो पहले वो वाली वीडियो देख लीजिए तो अच्छा रहेगा, नहीं तो कोई बात नहीं, इसी में से हम कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि मैंने उस वीडियो में बताया था, हम सबसे पहले अपनी बॉयलर प्लेट लाएंगे जो कि है हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क और एंटर, और ये हमारी बॉयलर प्लेट आ गई। तो सबसे पहला टैग तो यही है, ये डॉक टाइप HTML। इसका मतलब होता है, इससे ये पता चलता है कि ये HTML की डॉक्यूमेंट है और टाइप इसका HTML है, मतलब यही पता चलता है इससे। फिर उसके बाद हमारा हेड टैग आ गया, हेड और स्लैश हेड, बॉडी टैग आ गया, ये सब तो है ही। इसके अलावा हमारे पास, हम मैंने पिछले साल बार भी आपको बताया था, जैसे कि हेडिंग टैग होता है जो कि हम H1 या फिर H2, H3, H4, H5 और H6 तक कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे हेडिंग टैग। ऐसे करके हमारे पास बहुत सारे हेडिंग टैग रहते हैं, H1, H2, H3। इनमें अंतर आपको समझ में आ जाएगा जैसे जैसे आप इसमें लिखेंगे, जैसे कि मैं आपको लिख के बताता हूँ और आपको लाइव सर्वर में दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो ये मैंने यश लिखा है H1, H2 और H3 में। अगर हम इसको लाइव सर्वर में देखेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ, कंट्रोल प्लस एस से सेव करता हूँ और ओपन विथ लाइव सर्वर राइट क्लिक। ये देखिए, ये हमारे आ गए हैं H1, H2, H3, ऐसे H4, H5, H6 और छोटे आएंगे लेकिन बोल्ड रहेंगे, वो हेडिंग टैग हो गए हमारे। ऐसे ही हमने आपको पैराग्राफ टैग भी बताया था। पैराग्राफ टैग एक नॉर्मल पैराग्राफ बनाता है, मतलब नॉर्मल उसमें लिखेगा, बोल्ड लेटर्स में नहीं होगा, वो नॉर्मल पैराग्राफ जैसा होगा। ये हमारे पैराग्राफ टैग है। तो पैराग्राफ टैग के लिए हमको कुछ नहीं करना है, बस P एंटर करना है और इसके अंदर लिखेंगे तो ये हमारा पैराग्राफ है। तो इसमें मैं कुछ लिख के बताता हूँ, एक्सपीरियंस अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ, पैराग्राफ, एक पैराग्राफ मैंने ये लिख दिया और एक और पैराग्राफ बनाता हूँ उसमें मैं कुछ लिख देता हूँ, कुछ भी, और कंट्रोल ऐसे सेव करके हम फिर से अगर इसको लाइव सर्वर में देखेंगे, देखिए ये देखिए, ये हमारे दो पैराग्राफ आ गए, दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस और ये दूसरा पैराग्राफ, ये हमारे दोनों पैराग्राफ, ये हेडिंग, ऐसे करके ये हमारा पैराग्राफ टैग हो गया। अब अगर हमको पैराग्राफ के बीच में स्पेस चाहिए, मान लीजिए मेरे को दिस इज माय फर्स्ट के बाद एक नई लाइन बनाना है, या मान लीजिए मेरे को इन दोनों के बीच में एक लाइन चाहिए, तो उनके लिए कौन सा टैग यूज करते हैं मैं बताता हूँ आपको। आते हैं हमारे वापस VS कोड में। तो देखिए, मान लीजिए मेरे को ये दो पैराग्राफ के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, तो उसके लिए मैं एक टैग लिखूंगा जिसका है HR और एंटर। ये HR से क्या होगा, दोनों पैराग्राफ के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। ऐसे ही मान लीजिए मेरे को ज्यादा एक स्पेस चाहिए, तो मैं यहाँ पे BR लिखूंगा और एंटर कर दूंगा, तो BR से स्पेस आ जाएगा। ये होता है, तो देखिए मैं दिखाता हूँ आपको एक बार, कंट्रोल S से सेव किया और ये देखिए, ये हमारा HR की ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई यहाँ पे, और ये BR से ये एक्स्ट्रा एक स्पेस आ गया है। तो बी आर हमारा पैराग्राफ और हेडिंग के बीच में अगर हम लगाएंगे तो बी आर यूज होता है, और एच आर भी हम अगर हमें डिवाइड करना हो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन से हमें थोड़ा सा वो पार्टीशन टाइप का दिखाना हो तो हम वो भी दिखा सकते हैं। आइए अब हम और कुछ दूसरे टैग देखते हैं। हमारे पास एक और टैग होता है जिसका नाम है इमेज टैग। तो इमेज टैग से क्या होता है, हमको मान लीजिए हमारी साइट में कोई इमेज डालनी है, तो हम उस इमेज टैग के थ्रू हम वो इमेज डाल सकते हैं। जैसे कि मैं इमेज टैग के लिए ING एंटर करूंगा, ये इमेज आ गया। तो इमेज SRC जो है ना, SRC के अंदर हमको जो डालना है वो इमेज की लिंक रहेगी, कि इमेज हमारी मान लीजिए यहीं पे है, हमारे ही PC में है, तो हम यहाँ पे एक इमेज डालेंगे अपने इस फोल्डर में और उस इमेज की लिंक देंगे, PC की लिंक इसमें। वो वैसे मैं कहूंगा कि आपसे ऑनलाइन कोई इमेज लीजिए, क्योंकि अभी हम होस्ट तो कर नहीं रहे, तो हमारी इमेज ऐसे गूगल पे तो नहीं दिख पाएगी डायरेक्ट, इसलिए अगर हम बाहर से कोई इमेज लें तो वो इमेज की लिंक किधर डालेंगे, और ऑल्ट में वो डालेंगे जो इमेज मान लीजिए अगर रिलोड नहीं हो पाई, तो इमेज की जगह जो चीज दिखे, मान लीजिए इमेज किसी पबजी की है मान लीजिए, तो पबजी मैंने डाल दिया यहाँ पे, कि अगर इमेज रिलोड ना हो तो कम से कम दिख तो जाए कि हाँ पबजी था यहाँ पे, इमेज रिलोड नहीं हो पाई है। अब मैं यहाँ पे एक लिंक डालता हूँ ताकि
इमेज आए, तो मैं लिंक के लिए क्या करूंगा, अनस्प्लैश करके साइट है, वहां से कोई भी एक इमेज ले लूंगा, उसकी लिंक ले लूंगा। तो मैं यहाँ पे जल्दी से अनस्प्लैश सर्च करूंगा और इसमें पबजी सर्च करूंगा ताकि मेरे को एक पबजी की इमेज मिले अनस्प्लैश में, इमेजेस में कहीं। और कोई भी मान लीजिए ये वाली इमेज मेरे को चाहिए, ये उठा ली मैंने, इसमें कॉपी इमेज एड्रेस किया और वापस हम अपने वीएस कोड में आएंगे। तो ये हम इमेज एड्रेस जो है ये हम अपने एसआरसी के अंदर पेस्ट करेंगे, पेस्ट कर देता हूँ इसको, ये हमारा इमेज एड्रेस है। और जैसे ही मैं इसको पेस्ट करूंगा तो हमारे वहां पे इमेज शो होने लगेगी। अब ये इमेज बहुत बड़ी शो होगी, अगर मान लीजिए मुझे इमेज छोटी चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसकी विड्थ सेट कर दूंगा। इसमें विड्थ अगर सिर्फ सेट करेंगे तो हमारी हाइट ऑटोमेटिकली विड्थ के हिसाब से सेट हो जाएगी, लेकिन हम विड्थ और हाइट दोनों सेट करेंगे तो फिर मतलब वो कंसिस्टेंट नहीं रहेगी, एक जो बैलेंस जो विड्थ और हाइट नहीं रहेगी। इसलिए मैं या आप विड्थ सेट कीजिए या हाइट, तो मैं विड्थ मान लीजिए अभी करता हूँ 150 px, ये मैंने विड्थ सेट करी। अब हम इसको लाइव सर्वर में देखते हैं, कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ मैं पहले, ये देखिए ये था हमारा, ये हमारी इमेज आ गई है यहाँ पे, मैंने विड्थ इसकी सेट करी है 150। अगर मैं और बढ़ाऊंगा तो और बड़ी इमेज आ जाएगी और उसी हिसाब से हाइट भी सेट हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम अपनी एक इमेज ऐड कर सकते हैं, ऐसे ही हम एक वीडियो भी ऐड कर सकते हैं या हम कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, इमेज दो दो तीन इमेज ऐड कर सकते हैं जो चाहें हम। और मान लीजिए अगर इन केस ये इमेज रिलोड नहीं होती है तो कैसा दिखेगा, तो मैं बताता हूँ आपको। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमारी इन इमेज अगर रिलोड नहीं होगी तो कैसा दिखेगा। तो इसके लिए मैं इस लिंक को थोड़ा खराब करता हूँ, 80 के बदले 0 हटा देता हूँ, 8 कर देता हूँ, तो ये नॉर्मल लिंक नहीं रही, अब ये खराब हो गई है, तो हमारी इमेज अब रिलोड नहीं हो पाएगी। तो मैं दिखाता हूँ आपको लाइव सर्वर में कैसी दिखती है, कंट्रोल एस से सेव किया, कंट्रोल एस, और तो देखिए हमने जब इसकी लिंक खराब करी तो ये हमारी इमेज के बदले पबजी लिख गया, क्योंकि हमने ALT जो वहां पे था उसके बदले हमने पबजी लिख दिया था कि अगर इन केस हमारी इमेज रिलोड ना हो तो वहां पे पबजी आ जाए, तो ये आ गया है। ऐसे करके आप इमेज टैग यूज कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको एक दूसरा टैग बताता हूँ, तो देखिए अब मैं बताता हूँ आपको, ए करके अगर हम एंटर करेंगे तो ये AHREF करके एक और हमारा नया टैग है। तो HREF के अंदर हम कोई लिंक डाल देंगे, जैसे कि मैंने गूगल की लिंक डाल देता हूँ मैं, HTTPS, जो कि मेरे पास सेव है शायद, हाँ ये है गूगल की लिंक, मैंने मैंने डाल ली। तो हमारे पास क्या होगा कि हम इसके बदले यहाँ पे जो भी लिखेंगे, मान लीजिए मैंने इस जगह पे लिख दिया है गूगल, तो हम हमारे पास एक वो आ जाएगा लिंक कि हम अगर हमारे पास गूगल लिखा रहेगा हम उसमें क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्ट गूगल की तरफ चले जाएंगे। देखिए मैं आपको करके ही बताता हूँ ये चीज लाइव सर्वर में, ये देखिए कुछ इस तरह, मैंने यहाँ पे गूगल लिखा था, ये गूगल आ गया, इसमें मैं क्लिक करूंगा तो मैं डायरेक्ट गूगल पे रिडायरेक्ट हो जाऊंगा। ये देखिए मैं डायरेक्ट गूगल पे रिडायरेक्ट हो गया, ये गूगल पे जाके, तो ये हमारा ए हो गया। अगर हम इसके बदले एक ही जगह गूगल के बदले कुछ और लिखते तो यहाँ पे वो लिखा रहता है, मान लीजिए मैं याहू लिखता तो याहू लिखा रहता है, उसमें क्लिक करते हैं गूगल पे ट्रांसमिट होते, जिसकी लिंक दी है उसमें उसमें हम वापस चले जाएंगे। अब हमारे पास एक और टैग है जिसका नाम है लिंक टैग। तो लिंक टैग हम हेड के अंदर यूज करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिंक लिखा, लिंक, तो ये स्टाइल शीट आ जाता है। इसमें क्या करेंगे हम, एक हमारे सीएसएस के टाइम पे काम आता है ये सीएसएस, कई लोग यहीं पे हेड में ही स्टाइल के अंदर सीएसएस कर लेते हैं, कई लोग अलग से फोल्डर बनाते हैं सीएस के लिए, सीएसएस के लिए, तो उस फोल्डर का नाम होता है स्टाइल डॉट सीएसएस। यहाँ पे हम स्टाइल डॉट सीएसएस करेंगे तो हमारी ये लिंक हो जाएगी ये सीएसएस के साथ, तो हम उस फोल्डर में जो भी सीएसएस की कमांड्स डालेंगे वो इसमें आ जाएंगी हमारी कमांड्स। तो सीएसएस और जावा के लिए यूजली यूज होता है ये, बाद में मैं बताऊंगा जब सीएसएस आपको करवाऊंगा तब ये लिंक का यूज बताऊंगा आपको। अभी हमारे पास लिंक के साथ साथ एक हमारे पास दो टाइप की लिस्ट होती हैं, एक होती है हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट और एक होती है हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट। तो मैं बताता हूँ आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। सबसे पहले तो मैंने यूएल किया, ये हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट आ गई। इसके अंदर मैंने li करके, लिस्ट का टैग होता है li, li के अंदर मान लीजिए मैंने लिखा अबाउट, एक और li मैंने बनाया वहां पे लिखा मैंने होम। तो देखिए और यहाँ पे एक और मैंने ऑर्डर्ड लिस्ट का बनाया, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट थी, अब मैं एक ऑर्डर्ड लिस्ट का बनाऊंगा। तो ये ol लिखा,
ओएल के अंदर फिर से मैंने यही दोनों सेम डाल देता हूं, ये हो गया। तो अब मैं बताता हूं, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है और ये ऑर्डर्ड लिस्ट है। इसको मैं लाइव सर्वर में आपको दिखाता हूं कैसा दिखेगा। तो ये देखिए, ये हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ये हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है और ये हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट है। अब आप अंतर तो समझ ही गए होंगे। ऑर्डर्ड लिस्ट मतलब हमारी 1 2 3 4 ऐसे करके एक सिमिलर ऑर्डर में रहेगी, और अनऑर्डर्ड लिस्ट हमारी बुलेट नंबर्स के थ्रू यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये होती है एक अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट। अब वैसे आप अगर जानते होंगे कि होम और अबाउट ये सबसे पहले लिखा रहता है और नेविगेशन के थ्रू यूज होता है। एक नेविगेशन रहता है कि होम में गए तो होम आ गया हमारा, अबाउट में गए तो अबाउट आ गया। तो मैं आपको नेविगेशन का ही टैग बताता हूँ। आइए वीएस कोड में चलते हैं। तो हम नैव टैग सबसे पहले यूज करते हैं बॉडी में, बॉडी के बाद नैव करा मैंने, नैव डाला नैव। अब नैव के अंदर मैं यूएल चाहता हूँ तो यूएल डाला। अब यूएल के अंदर मैं एल आई में ये चाहता हूँ, यही हमारा सेम, यही हमने कॉपी तो पहले ही से है हमारा, हमने बस पेस्ट किया और ये हमारा आ गया। ये हमारा नेविगेशन टैब रहता है, इसके थ्रू हम नैव नैव करके इसको रिप्रेजेंट करते हैं ताकि ये हमारा ऊपर रहे और हमें पता चले कि ये नेविगेशन के लिए है हमारा। तो ये हमारा नैव टैग है। अभी मैं बताऊंगा इसको भी रन करके कैसा दिखता है। इसके अलावा हमारे पास हमारे मेन चाहते ही जो टैग है मेन हमारे हो जाते हैं, लेकिन अब मैं बताता हूँ आपको बॉडी में हमें यूज कैसे करना रहता है ये सब। तो हम मेन क्या करते हैं, तीन तीन पार्ट्स में बॉडी को डिवाइड करते हैं। एक होता हैडर, हेडर, फिर उसके बाद हेडर के अलावा एक और होता है मेन। सबसे पहला पार्ट होगा हमारा हेडर, हेडर के बाद आता है हमारा मेन, मेन के बाद आता है हमारा फुटर। तो जब तक हम HTML में है तो हमको ये इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाद में जब हमें SEO फ्रेंडली हमारी वेबसाइट बनानी है तो उसमें हेडर, मेन और फुटर इन तीन में लिखेंगे तो हमारे लिए आसान पड़ेगा SEO फ्रेंडली बनाने के लिए। SEO मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसके थ्रू क्या होता है, हमारे बाद में आसानी पड़ती है, अगर कोई आगे चल के भी हमारी साइट को कोई डेवलप और आगे करेगा, कोई और अच्छा कोड करेगा उसमें, तो उसके लिए डेवलपमेंट के लिए हमारे लिए ये वाला काम आता है। तो हेडर में हम क्या लिखेंगे, हेडर में हम बेसिकली यही नैव टैग ही अपना यूज कर लेंगे, क्योंकि हेडर में हेडिंग, नैव टैग ये सब यूज होता है हमारा। तो ये मैंने हेडर में नैव टैग डाल दिया, ये हेडर में मैं एक हेडिंग भी डाल देता हूँ, H1 में डालता हूँ और यश लिख देता हूँ हेडर। ये हमारा हेडर हो गया, ये हेडर और ये स्लैश हेडर से खत्म कंप्लीट हो गया हेडर। ये मैंने आपको पिछली अपनी उसमें बताया वीडियो में कि कैसे हम एक टैग ओपन करते हैं और टैग क्लोज करते हैं। अब मेन के अंदर मैं जाते हैं हम, अगर तो मेन के में हमारा आता है हम जो मेन लिखेंगे कि मान लीजिए मैंने कोई पैराग्राफ लिखा, मैंने फोटो डाली, तो ये सब हमारा मेन में आता है। तो मान लीजिए मैं ये पैराग्राफ और ये फोटो और ये पूरा जो HRF है ये सब मेन में डाल देता हूँ। ये डाला मैंने मेन में, पेस्ट कर दिया, और मैं पैराग्राफ थोड़ा भरा भरा लगने के लिए एक और पैराग्राफ बनाता हूँ और इसमें मैं कर देता हूँ लॉरेम 30 कर देता हूँ। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था लॉरेम मतलब खुद से वो 30 वर्ड बना लेगा, लॉरेम 30 मतलब, लॉरेम 20 मतलब खुद से 20 वर्ड बनाएगा ऐसा। तो ये हमारे मेन के अंदर आ गया। फुटर के अंदर क्या आता है, फुटर के अंदर हम लास्ट में हमारे पास क्या क्या चीजें रहती हैं वो सब हमारा फुटर में लिखता है। जैसे कि हमें कॉपीराइट करना है कि हाँ भाई हमारा कॉपीराइट है इसमें, तो हम कॉपीराइट लिख सकते हैं। तो कॉपीराइट का सिंबल अगर हमें बनाना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एंड लिखेंगे और कॉपी लगा देंगे, एंड कॉपी एंटर, ये कॉपीराइट का सिंबल आ गया हमारा। और हम लिख देंगे कॉपीराइट बाय यश, ये लिख दिया मैंने मान लीजिए। तो ये हो गया हमारा हेडर, मेन और फुटर। बस हमारे बाकी ये सब किसी का हम इनके अंदर ही सब मेन लिखते हैं, हेडर, मेन और फुटर। तो हमारे एक SEO फ्रेंडली वेबसाइट बनती है अच्छी सी। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसी बनी है। तो देखिए ये हमारी वेबसाइट है, लाइव सर्वर में जैसी दिख रही है। ये नैब हो गया हमारा, ये हेडिंग हो गई, ये हमने हमारे मेन के अंदर ये पैराग्राफ था, ये हमने BR डाला तो एक्स्ट्रा स्पेस भी है, ये फोटो आ गई है, ये गूगल का A एट्रीब्यूट आ गया है, और ये कॉपीराइट, कॉपीराइट बाय यश, यहाँ पे हम एक्स्ट्रा गैप दे सकते हैं। और इन सब के लिए बाकी स्टाइलिंग के लिए मान लीजिए हमें बैकग्राउंड कलर चाहिए, ये यहाँ पे फोटो लानी है, ये हमारा फोटो नीचे होना चाहिए, तो इन सब के लिए हम बाद में CSS यूज करेंगे स्टाइलिंग के लिए।
तो मेन यही टैग्स रहते हैं जिनके थ्रू हम एक वेबसाइट पूरी बना सकते हैं। ये लगभग मैंने सारे ही टैग्स इसमें कवर कर लिए हैं। जो नहीं है वो आप MDN रेफरेंस से और भी देख सकते हैं। तो धन्यवाद भाई, और हो सके तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा।